हेलो हेलो रोमन नुमैर हम सब लोग जानते हैं One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ये सारे देखो मैंने रोमन रोम में लिखे हैं इसके बाद के नेचुरल नंबर्स को भी हम रोमन नुमेर में लिख सकते हैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीरो को रोमन नुमैरल में कैसे लिखते हैं जीरो को रोमन नुमेरल में कई सालों तक तो नहीं लिखा जाता था फिर मैथमेटिशियन लोगों ने जीरो की जगह पे एन लिखना चालू कर दिया एन कहां से लिया गया है नुला से लिया गया है नुला का मतलब होता है नन तो इसका जो एन है वो ले लिया और जीरो को एन से लिखना चालू कर दिया ठीक है आज आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं कि वन बाय टू को रोमन नुमेर में कैसे लिखते हैं वन बाय टू का रोमन नोबैरल क्या है अगर आपको ये जानना है वन बाय टू का रोमन ओमेरल क्या है तो मेरे दोस्त आप याद कीजिए जब हम लूडो खेलते हैं लूडो लूडो तो वो जो डाइस होती है उसके फेसिस पे आपको ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखने को मिलते होंगे ऐसे वन ऐसे टू ऐसे थ्री देखने को मिलता है फोर देखने को मिलता है फाइव देखने को मिलता है है ना सिक्स देखने को मिलता है अपने को सिक्स कैसे देखने को मिलता है ऐसे करके सिक्स देखने को मिलता है थ्री कई जगहों पे यू लिखा होता है कई जगहों पे ऐसे करके भी लिखा होता है फोर कई जगहों पे ऐसे और कई जगहों पे फोर को यू करके रिप्रेजेंट कर देते हैं फाइव को यू भी और कुछ जगहों पे आपने नोटिस किया होगा तो ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है है ना लूडो के फेसिस पे ये सब बनी देखी होंगी आपने आपको बता दू रोमल्स में वन, को, वन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जी हा वन आपको लिखना है तो आप एक डोट लगा दीजिए अगर टू बाय ट्वेल्व लिखना है टू बाय टेल्व बोले तो वन बाय सिक्स तो आप दो डोट लगा दीजिए सिमिलरली थ्री डोट लगाने हैं तो थ्री बाई ट्वेल्व हो गया थ्री बाई ट्वेल्व या यूं कहें वन बाय फोर चार डोट लगाने हैं तो हो गया फोर बाय ट्वेल्व बोले तो वन बाय थ्री पांच डोट लगाने हैं तो फाइव बाई ट हो गया और छे डोट लगाने हैं तो इसका मतलब सिक्स बाय ट्वेल्व हो गया मतलब वन बाय टू हो गया तो वन बाय टू को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है तो मेरे दोस्त ऐसे करके आपको डॉट यू करके लगा दिए तो रोमन नुमैरल हो गया वन बाय टू है ना मजेदार ये जो छे डॉट हमने लगाए हैं जो वन बाय टू को रिप्रेजेंट करते हैं आप वन बाई टू को कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हो जी हाँ रोमन में अगर लिखना है तो डॉट भी लगा सकते हो और कैपिटल एस भी लिख सकते हो कैपिटल एस का मतलब होता है सेमी ये सेमी से लिया गया सेमीज सेमी बोले तो सेमी बोले तो आधा है ना आधा तो देखो ट्वेल्व जो है ना उसका आधा हो गया कि नहीं हो गया तो सेमी बोले तो आधा ठीक है ना हाफ तो सेमी से एस लिया गया है और कैपिटल एस से भी आप रोमन में को लिख सकते हो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रोमन नोबेर में जैसे वन बाई टू बाई ट्री बाय ट्वेल्व फोर बाई टाइव बाई ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व लिखे हैं ऐसे ही करके सेवन बाय ट्वेल्व भी लिख सकते हो एट बाय ट्वेल्व भी अपन लिख सकते हैं नाइन बाई ट्वेल्व भी लिख सकते हैं 10/12 भी लिख सकते हैं 11/12 12/12 भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे यहां लिख दूं 11/12 को क्या यहां लिख देंगे 11/12 को इधर लिख देता हूं मैं 11/12 को भी लिखूंगा मैं 12/12 12 को भी लिखूंगा मैं ठीक है 12/12 तो 1 हो गया ना तो 1 को तो आय इससे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो 12/12 12 तो 1 हो गया 1 को लिखना आता है अपने को है ना तो 7/12 लिखना है ना तो एस के आगे एक डोट लगा दो एट लगा दो नाइन बाइ लिखना है एस के आगे थ्री डोट, डोट लगा दो ऐसे लगा दो या फिर ऐसे करके लगा दो 10 by 12 लिखना है तो एस के आगे चार डोट लगा दो यू लगाओ तो भी ठीक है और इस तरीके से लगाओ तो भी ठीक है इलेवन बाई ट्वेल्व लिखना है तो एस के आगे पांच डोट लगाने हैं ऐसे करके लगा दो बहुत ही बढ़िया और ऐसे करके ना भी लगाओ तो कुछ यू भी लिख सकते हो ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वन बाय टूल्व को हम रोमन नोबेर में कुछ यू या फिर एस का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं चीजें बहुत हैं सोचने के लिए बारीक बारीक चीजें बहुत हैं मैथमेटिक्स में अगर आप फील कर सको जानो तो बहुत मजेदार हैं इस तरीके के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी के लिए बाय बाय